कहने पर कई ऐसे केस झेले जाते हैं जो राजनीति से प्रेरित होते हैं और असली गुनहगार तो सत्ता की आड़ में मौज करते हैं। कुछ समय पहले कातिल छोड़ दिए गए थे जब उन्हें रंगे हाथ पकड़ा गया था, अब वो किसके संरक्षण से बचे ये आप जानते हैं। यहां तक मंगल सिंह गुर्जर की बात है, वो उस समय भोपाल में थे, उनके साक्ष्य आपको भेज रहा हूं और मुकदमा कोर्ट में है, कोर्ट न्याय करेगा। कातिलों के संरक्षण को बचाव की आपकी कोशिश निंदनीय है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से, कातिलों के संरक्षण को बचाने की आपकी कोशिश निंदनीय है। और इस पर हमारे साथ वरिष्ठ बीजेपी नेता हितेश वाजपेयी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हितेश जी, अब जैसे ये सियासत अब बढ़ती जा रही है, इसको लेकर जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है और यूं कहें ट्विटर वॉर छिड़ चुकी है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो वो है साहब जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जी। तभी आप अंदाजा लगाइए कि ये लोग जंगल में क्या करते हैं। और मैंने उसमें एक आवेदन भी डाला है, शायद जनवरी का है वो, जो वन अमले ने लिखकर भेजा है, वहां के रेंजर ने पुलिस विभाग को भी भेजा है कि किस प्रकार वो आकर इन लोगों को मारते पीटते हैं, इन पर दबंगाई करते हैं। और मेरा बस इतना कहना है कि यदि दिग्विजय सिंह जी और जयवर्धन जी ऐसे लोगों को संरक्षण देना छोड़ दें तो वहां पर जंगल में हो रहे अपराध कम हो जाएंगे, क्योंकि राजनीतिक संरक्षण के आधार पर ही सोचिए इतनी हिम्मत होती है कि सिपाहियों को गोली मार दें, जो बहुत दुखद है। तो ये बेसिकली राजनेता और अपराधियों का एक नेक्सस है। और मुझे बहुत दुख हुआ, जयवर्धन जी बहुत पढ़े लिखे हैं, विदेश में भी पढ़ के आए हैं, उसके बाद भी उनको ऐसे लोगों की जरूरत क्या है जो इस प्रकार के काम में लिप्त हैं। ठीक है वाजपेयी साहब, लेकिन जब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने सवाल उठाए थे कि इन लोगों पर किसका हाथ है, किसको किसका इन लोगों को संरक्षण प्राप्त है, तो दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया था और यह भी कहा था कि मांग जांच होनी चाहिए और वो इस मांग के खिलाफ इस मांग के साथ हैं कि जांच पूरी तरीके से होनी चाहिए और निष्पक्ष जांच भी होनी चाहिए, तो फिर किस बात का सवाल? मैं आपकी बात से सहमत हूँ और मैंने कहा भी इसको, ये मेरा तेरा क्या होता है, अपना आदमी क्या होता है। और इसी के बचाव में आप सोचिए, जबरदस्ती जी निकल कर आ गए, जिस आदमी के ऊपर केस दर्ज है वन मंडल के अधिकारियों को, जिसने मारपीट करी, जो शिकार करता है, आपराधिक केस दर्ज है, उसको ये अपनी गाड़ी में लेकर घूम रहे हैं, उसको दिन रात फोटो खिंचा रहे हैं और उसके बाद बोल रहे हैं कि हाँ वही वो मेरा आदमी है और खुद स्वीकार कर रहे हैं कि उसके ऊपर आपराधिक केस चल रहे हैं। तो अब आप मुझे बताइए कौन न्याय देगा यदि ये बड़े बड़े नेताओं के, इनके पास डॉक्टर इंजीनियर शिक्षक क्यों नहीं रहते फोटो खिंचाने के लिए साथ में, या इनके साथ लेके चलने के लिए? कभी आपने सुना कि जयवर्धन जी ने किसी डॉक्टर का साथ लिया हो वोट लेने के लिए, टीचर का लिया हो, प्रोफेसर का लिया हो? इनको ये जरायम पेशा अपराधी क्यों चाहिए, ये बताइए ना। मेरा ठीक है, ठीक है वाजपेयी साहब, हमारे साथ कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह जी जुड़ चुके हैं, उनसे सवाल ले लेते हैं। सिंह साहब, क्या कहेंगे आप, वाजपेयी जी की पूरी बात आपने सुनी? साहब, मूल बात ये है कि बहुत अफसोस की बात है कि वाजपेयी जो प्रवक्ता है भाजपा के, उन्होंने जो हत्याकांड हुआ दो दिन पहले, उससे एक नाम जुड़ा गुर्जर समाज का, जबकि गुर्जर समाज की इस पूरे कांड में कोई भूमिका ही नहीं है। ये अपमान किया गया गुर्जर समाज का, और अगर भाजपा या ये माफी नहीं मांगेंगे तो ये बहुत गलत होगा। मतलब इतनी अफसोस की बात है, इस पूरे कांड में कहीं भी नाम निशान नहीं है गुर्जर समाज का, कोई नाम कैसे जुड़ा गया उनका इसमें, ये बहुत अफसोस की बात है। ऐसी हल्की राजनीति का इससे उम्मीद नहीं थी मुझे। लेकिन जयवर्धन साहब, जैसा कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने प्रेस वार्ता में ये कहा था कि किन लोगों को संरक्षण प्राप्त है, इन लोगों को सीधा सीधा उन्होंने पलटवार किया था पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को लेकर, उन्होंने कहा था, जिसके बाद दिग्विजय सिंह ने ट्वीट भी किया था, बात कही बीडी शर्मा जी ने जी। वो उन्होंने कही है बेबुनियाद, विदाउट एनी प्रूफ। हमने तीन फोटो दिए हैं पीसीसी ने, तीन फोटो जिसमें तीनों फोटो में भाजपा जिला उपाध्यक्ष की फोटो है और वो लोग फोटो में शामिल है, दो जिनका एनकाउंटर हुआ,
वो दोनों फोटो में इनके साथ बैठे हैं। ठीक है, ठीक है, इसका सवाल, इस सवाल का जवाब लेते हैं वाजपेयी साहब। ठीक है, जयवर्धन साहब आपके पास आऊंगा। साहब साहब लास्ट पे जो तीसरी फोटो है जिसमें मंत्री खुद है महेंद्र सिसोदिया जी, उसकी फोटो में जो शहजाद जिसका एनकाउंटर परसों रात को हुआ वो खड़ा है उस फोटो में, 8 दिन पहले की फोटो है। अगर इनमें हिम्मत हो हितेश जी में, शर्मा जी में या शिवराज सिंह चौहान जी में, तो ऐसे लोग जिनकी फोटो 8 दिन पहले ऐसे अपराधियों के साथ है तो इन पर कार्रवाई होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, आप मुझे बताइए। ठीक है, ठीक है, इसका सवाल का जवाब ले लेते हैं वाजपेयी साहब। क्यों आप पलटवार कर रहे हैं, बिना सबूत के कैसे आप बात कर सकते हैं, जबकि पूरे सबूतों के साथ फोटो के साथ यहाँ पर बात की जा रही है, तो आप बिना सबूत के कैसे बात कर सकते हैं वाजपेयी साहब? देखिए मेरा बहुत लिमिटेड पॉइंट है, मेरा किसी समाज को लेके कोई टिप्पणी नहीं है। आप देखिए कितनी चतुराई से समाज को ले आए पूरे, यही राजनीति है। और इसी प्रकार जब अपराधियों का आप संरक्षण करते हो, ये वो शख्स है जिसके ऊपर जंगल में अपराध करने के लिए और जंगल के अधिकारियों के ऊपर आक्रमण करने के लिए केसेस चल रहे हैं, आप सोचिए ये उसकी जात ढूंढ रहा है, उसके अपराधी की जात होती है क्या? उस पर ये कुछ बोल ही नहीं रहे। और हम यही बात कह रहे हैं कि जब तक ये राजनेता और अपराधियों का नेक्सस चलेगा तब तक साहब अपराध खत्म ही नहीं हो सकते। लेकिन वाजपेयी साहब, वाजपेयी साहब, बीडी शर्मा ये बोल रहे हैं कि किसका संरक्षण प्राप्त है, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का संरक्षण इन लोगों को प्राप्त है, और दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ अपराधियों की फोटो शेयर करते हैं, तो संरक्षण या फिर मिलना जुलना किससे ज्यादा है, क्या कहेंगे आप? देखिए उनने तो स्वीकार कर लिया ना जयवर्धन जी ने कि हाँ ये जो महेंद्र है ये हमारा आदमी है, हाँ इसके ऊपर ये केसेस चल रहे हैं, ये तो उनने स्वीकार कर दिया ना। तो हम तो देखिए आप मान लीजिए, चलिए मैं जयवर्धन जी की बात मान लेता हूँ, जो भाजपा से जुड़े लोग हैं, तो फिर हमारी सरकार मुख्यमंत्री जी के निर्देशन पर कार्रवाई करके उनके एनकाउंटर तक हो रहे हैं, तो उनको तो खुश होना चाहिए हमारे लोग मारे जा रहे हैं, क्या बुराई है? मैं तो खुश होकर कह रहा हूँ कि अपराधियों को नहीं बचना चाहिए, ऐसा जयवर्धन जी कह रहे तो वो नहीं कह रहे हैं, वो ठीक है वाजपेयी साहब। लेकिन अगर मिले भी हैं, बीजेपी के लोग भी हैं, आपके लोग भी हैं, तो लेकिन अगर अपराधी हैं तो कहीं ना कहीं वो अपराधी, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। कांग्रेस से जयवर्धन सिंह जुड़े हुए थे, बीजेपी से हितेश वाजपेयी जुड़े हुए थे, दोनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।